स्टूडेंट्स, टुडे वी प्रूव टेंजेंशियल पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट वी नो दैट इफ एनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। इफ एनी इक्वेशन आर एंड थीटा रिप्रेजेंट इन आर एंड थीटा, दिस इज कॉल्ड polar form. If any equation represent in s and psi, this is called intrinsic equation. If any equation represent in r and p, this is called pedal form of equation. And if any equation which be can be written by p and psi, this is called tangential polar form. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन x और y के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इफ एन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इफ एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट इन s एंड psi, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, वेयर s इज द आर्क लेंथ and size the angle made by the tangent with the positive direction of x-axis. If any equation represent in terms of r and p, this is called pedal form, where r is the radius vector and p is the length of perpendicular drawn from pole on the tangent. If any equation represent in terms of p and psi, this is called tangential polar form, where p is the length of perpendicular drawn from pole on the tangent and psi is the angle made by the tangent with the positive direction of x axis. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई, अगर कोई भी इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अगर इक्वेशन आर और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो वो पोलर इक्वेशन होती है। अगर इक्वेशन एस और साई के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो वो इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी। अगर इक्वेशन आर और पी के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो पेडल इक्वेशन होगी। अगर इक्वेशन पी और साई के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है तो वो टेंजेंशियल पोलर फॉर्म होती है। यहाँ पर स्मॉल आर, दिस इज द रेडियस वेक्टर, थीटा इज द एंगल मेड बाई द रेडियस वेक्टर विद द इनिशियल लाइन, एस इज द आर्क लेंथ, साई इज द एंगल मेड बाई द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड हेयर पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट। सो हेयर वी फाइंड आउट फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टेंजेंशियल पोलर फॉर्म। तो हमको यहाँ पर टेंजेंशियल पोलर फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी राइट डी पी अपॉन डी साई, सो दिस कैन बी रिटन एज डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी साई। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी पी अपॉन डी साई को डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी साई लिख सकते हैं। Now this dp upon dr and this dr upon psi d psi can be written as dr upon ds multiplied by ds upon d psi. So dp upon d psi can be written as dp upon dr multiplied by dr upon ds multiplied by ds upon d psi. आप देख सकते हैं dr से dr कैंसिल हो सकता है, ये ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो ये dp upon d psi। Now we know that, since we know that tan phi is equal to r d theta upon dr, so this can be written as tan phi can be written as sin phi upon cos phi, and d theta upon ds divided by dr upon ds. So from here we can find that sin phi is equal to r d theta upon ds and cos phi is equal to dr upon ds. आपको पता है tan phi equal to r d theta into d theta by dr होता है, tan phi को sin phi upon cos phi लिख सकते हैं, और d theta by dr को r d theta by ds divide by dr by ds लिखा सकता है। तो sin phi की वैल्यू यहां से r d theta by ds और cos phi की वैल्यू dr by ds मिलेगी। Now we know that here we put dr by ds is equal to cos phi, so here we write cos phi multiplied by ds upon d psi. We know that radius of curvature for intrinsic equation is rho is equal to ds upon
डी साई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन. सो वी पुट हियर दिस इज रो हियर. सो डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी आर. एंड ऑल्सो वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला फॉर पिडल इक्वेशन इज आर डी आर अपॉन डी पी. सो रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी. सो वी पुट हेयर रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी. सो डी पी अपॉन डी आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई आर डी आर अपॉन डी पी. सो वी नो दैट दिस डी आर कैंसिल बाई दिस डी आर, दिस डी पी कैंसिल बाई दिस डी पी. सो दिस इज आर कॉस फाई हेयर. सो डी पी अपॉन डी साई कैन बी रिटन एज आर कॉस फाई. सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन वन. ऑल्सो वी नो दैट वी नो दैट रिलेशन बिटवीन पी एंड फाई, दिस इज पी आर साइन फाई विच है विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन टेंजेंट नॉर्मल. सो नाउ एडिंग स्क्वायर ऑफ वन एंड टू, सो वी गेट हेयर पी स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सो वी गेट हेयर पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. नाउ वी टेकिंग कॉमन आर स्क्वायर इन दीज टू टर्म, सो वी राइट दिस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई. एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल टू वन. सो दिस इज आर स्क्वायर. सो पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यू कैन राइट दिस. नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू, सो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर. आप देख सकते हैं यहाँ पर डी पी अपॉन डी साई हम लेके चल रहे हैं. डी पी अपॉन डी साई को डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी साई लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये डी आर से डी आर कैंसिल करेंगे तो डी पी अपॉन डी साई मिल जाएगा. अब डी आर बाई डी साई को डी आर बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई लिख सकते हैं, क्योंकि जब डी एस से डी एस कैंसिल होगा डी आर अपॉन साई मिलेगा. अब आपको पता है डी आर अपॉन डी एस दिस इज इक्वल टू कॉस फाई होता है, तो इसके प्लेस पे कॉस फाई सब्सटीट्यूट करेंगे. और डी एस अपॉन डी साई दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन. सो दिस इज इक्वल टू रो. सो पुट हियर रो. एंड ऑल्सो वी नो दैट फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पिडल इक्वेशन रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी. सो वी पुट हियर रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी. सो दिस डी आर कैंसिल बाई दिस डी आर, दिस डी पी कैंसिल बाई दिस डी पी. सो वी गेट डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू आर कॉस फाई. एंड ऑल्सो वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पी इज इक्वल टू आर साइन फाई. सो स्क्वायरिंग वन एंड टू एंड एडिंग, सो पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. नाउ टेकिंग कॉमन आर स्क्वायर इन दिस टू टर्म्स वी गेट हेयर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू वन. सो पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी साई होल स्क्वायर. नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू पी. सो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P. So we get here d by dp of r square is equal to d by dp of p square plus d by dp of dp upon d psi whole square. आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस इक्वेशन को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. So differentiation of r square with respect to p can be written as d by dr of r square multiplied by dr upon dp. Here differentiation of p square with respect to p is 2p. Here differentiation of dp upon d psi whole square with respect to p can be written as d by d psi of dp upon d psi whole square multiplied by d psi upon dp. So we can see here differentiation of r square with respect to r, this can be written as 2r. And here this is dr upon dp
is equal to, this is 2p plus, here when we differentiate dp upon d psi whole square with respect to psi, so this can be written as 2 dp upon d psi, and differentiation of dp upon d psi with respect to psi, and this d psi upon dp here. So we can see in each term this 2 cancel out, so here r dr upon dp is equal to p plus dp upon d psi multiplied by, when we differentiate this dp upon d psi with respect to psi, so we get d2p upon d psi 2 multiplied by d psi upon dp. So this dp upon d psi cancel by this d psi upon dp, so we get r dr upon dp is equal to p plus d2p by d psi 2. And we know that this is r dr by dp, this is the radius of curvature of the pedal equation, so here we can write rho is equal to p d2p by d psi 2, and this is the formula for radius of curvature for tangential polar form of curve. आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन थी r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस dp अपॉन d साई का होल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर स्मॉल p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट है, तो इसके लिए d बाई dp ऑफ r स्क्वायर, इसके लिए आप रिटर्न यूज करेंगे d बाई dp, तो d बाई dp ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू d बाई dp ऑफ p स्क्वायर प्लस d बाई dp ऑफ dp अपॉन d साई होल स्क्वायर. तो r स्क्वायर का p के स्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा d by dr of r स्क्वायर इनटू dr by dp, एंड p स्क्वायर का p के स्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2p होगा. अब यहां पर dp अपॉन d साई का होल स्क्वायर, ये साई का फंक्शन है, तो इसका p के स्पेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे d by d साई ऑफ dp अपॉन d साई का होल स्क्वायर इनटू d साई अपॉन dp. अब r स्क्वायर का r के स्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 2r मल्टीप्लाई बाय dr अपॉन dp इज इक्वल टू 2p प्लस, जब यहाँ dp अपॉन d साई होल स्क्वायर का साई के स्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स dp अपॉन d साई, फिर dp अपॉन d साई का साई के स्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो लिखेंगे d बाय d साई ऑफ dp अपॉन d साई इनटू d साई अपॉन dp. आप देख सकते हैं तीनों टर्म में से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो लेफ्ट हैंड साइड में r dr अपॉन dp बचेगा, राइट हैंड साइड में p प्लस dp upon d psi, और जब dp upon d psi को psi के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखा जाएगा d2p upon d psi 2 मल्टीप्लाई बाय d psi बाय dp. अब आप देख सकते हैं dp upon d psi मल्टीप्लाई बाय d psi बाय dp है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये d2p upon d psi 2 प्लस p आएगा, और r dr upon dp दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पेडल इक्वेशन, सो हियर वी कैन राइट rho इज इक्वल टू p प्लस d2p upon d psi 2. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला for tangential polar equation. Thank you.